मौत के फंदे के करीब पहुंची शबनम। डेथ वारंट का इंतजार। मथुरा जेल पर टिकी निगाहें। फांसी घर को किया जा रहा है तैयार। फांसी से बचने के लिए शबनम के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब शबनम का डेथ वारंट जारी होना बाकी है। डेथ वारंट पर उसकी फांसी की तारीख और टाइम मुकर्रर होगा। शबनम फिलहाल रामपुर जिला जेल में बंद है। जब से राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज की है, मथुरा जेल में हलचल बढ़ गई है। शबनम की फांसी को लेकर मथुरा जेल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मथुरा जेल में है यूपी का इकलौता महिला फांसी घर। 150 साल पहले 1870 में बनाया गया था मथुरा जेल में महिला फांसी घर। आजादी के बाद से किसी भी महिला को इस फांसी घर में नहीं दी गई है फांसी। फांसी घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि जेल प्रशासन अभी फांसी की आधिकारिक जानकारी मिलने से इनकार कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति की अपील ठुकराने के बाद शबनम को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शबनम को फांसी देने से पहले उसके वजन के बराबर पत्थर को लटकाने की रिहर्सल की जाएगी। खबरों के मुताबिक शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है। जब शबनम की फांसी की चर्चा शुरू हुई तो पवन जल्लाद का नाम भी चर्चा के केंद्र में आ गया। पवन जल्लाद का कहना है कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो फांसी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी देकर रिकॉर्ड बना चुके हैं पवन जल्लाद। पवन जल्लाद का कहना है कि शबनम ने अपने परिजनों को मारा था, साथ में उसका प्रेमी भी था, इनको फांसी होनी ही चाहिए। शबनम और सलीम भाई अपने घर के उन्होंने साथ मार दिए, घर के कुल्हाड़ी से और जहर दे के मार दिए अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को। तो भाई क्राइम तो बहुत खतरनाक है, दर्दनाक क्राइम है, तो इनको तो फांसी होनी चाहिए। पवन ने बताया कि वो 1 साल पहले मथुरा गए थे फांसी घर देखने, तब उनको कुछ खामियां नजर आई थी जिनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने बोला था। मैं गया था 1 साल पहले, मथुरा में 6 महीने पहले गए थे। 1 साल पहले क्या हुआ वहाँ? पवन जल्लाद ने फांसी से पहले की तैयारियों के बारे में भी बताया, कैसे वो ट्रायल करेंगे, रस्सी और तख्ता चेक करेंगे। फांसी की तैयारी में रास्ता सही होने का रास्ता वहाँ से बिहार से आएगा, वहाँ पर जो बक्सर मध्य कैदी बनाते हैं उसको, जैसे कि तिहाड़ जेल में आए थे रस्ते, ऐसी रास्ता आएगा। कोई इसमें कोई अलग से कोई मौत होता नहीं भाई। यहाँ आपको बता दें कि शबनम के बाद 3 महिलाओं समेत 34 लोगों को फांसी दी जानी है। जल्लाद तैयार है, रस्सी कहाँ से आएगी ये भी तय हो चुका है। जैसे ही शबनम का डेथ वारंट जारी होगा, आजाद भारत की पहली महिला फांसी को अंजाम दे दिया जाएगा।